भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून को मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पूरे मध्य प्रदेश में आज भाजपा ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। तस्वीरें छिंदवाड़ा की हैं। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय से रैली के रूप में निकले भाजपा कार्यकर्ता मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता कानून लाया गया है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लागू करने से ऐतराज किया है। उन्होंने मांग उठाई कि मध्य प्रदेश में भी नागरिकता कानून को लागू किया जाए। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष राजू परमार, रमेश पोपली, विजय पांडे, संतोष राय सहित अनेक लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा नागरिकता कानून संशोधन बिल लागू करने के संबंध में एक रैली भाजपा कार्यालय से निकाल के कलेक्टर कार्यालय के गेट तक आने की अनुमति चाही गई थी, वो अनुमति जारी की गई थी। उनने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ शांतिपूर्वक यहाँ उपस्थित होकर कलेक्टर कार्यालय के सामने अपना ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया, जो प्राप्त कर लिया गया है। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। जाओ, अगर आप नहीं जागे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा और आपको मजबूर कर देगा ये कानून लागू करने के लिए, क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल जो हमारे देश के शरणार्थी है उनको राहत पहुंचाने वाला है, वो उनको फायदा पहुंचाने वाला है। तो मेरा आप सभी मीडिया के साथियों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी इस मुहिम में भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और प्रदेश की मेजोरिटी कांग्रेस सरकार को मजबूर कर दें कि मध्य प्रदेश में यह कानून लागू हो। प्रदेश के संपूर्ण जिला स्थानों पर जो भारत के उच्च सदनों में और राष्ट्रपति के माध्यम से नागरिक संहिता संविधान संशोधन बिल पारित हुआ है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि हम इसे मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, मेरा ऐसा मानना है कि आपने संविधान के अंतर्गत शपथ लेकर और शपथ ग्रहण करके और मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से बना हुआ संविधान है, यह भारत का संविधान विश्व प्रसिद्ध संविधान है। अगर यहाँ के कानून अगर संपूर्ण राज्यों में लागू नहीं होंगे तो इसके लिए आप ही हंसी का पात्र बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज मोर्चा खोल दिया है, आज हमने आवेदन दिया है, कल हम निवेदन करेंगे, और नहीं तो फिर हमको सड़क पर आने में कोई ताकत नहीं रोक सकती।